નમસ્કાર એચકે ન્યૂઝ માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે કૃપાલી પરમાર. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब आप किराए पर गर्लफ्रेंड ले सकते हैं कुछ घंटों के लिए, अपनी एक लड़की को प्रेमिका बना सकते हैं. इन घंटों में लड़की आपके साथ बिल्कुल आपकी प्रेमिका की तरह रहती है. 11 रुपए में आप उसे हग कर सकते हैं, 115 रुपए में आप उसे किस कर सकते हैं, और ये कहलाती है स्ट्रीट गर्लफ्रेंड सर्विस. असल में आप जानते हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है, लोगों की सोच और व्यापार करने के तरीके भी बदल रहे हैं. कल तक प्रेम के जरिए लोग एक दूसरे के करीब आते थे और एक सच्चा रिश्ता भी निभाते थे, लेकिन अब ये सब कुछ पैसे से हो रहा है. आज हम आपको जिस स्ट्रीट गर्लफ्रेंड सर्विस के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दुनिया के कई देशों में अब आप किराए पर अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन आप कुछ गलत मत सोचिएगा. इसमें सोना यानी साथ में सोना शामिल नहीं होता. बस कुछ घंटों के लिए आप किसी लड़की को पैसा देते हैं, उसे अपनी प्रेमिका बनाते हैं. इन घंटों में वो लड़की आपके साथ उसी तरह से रहेगी जैसे कि आपकी प्रेमिका अगर होती तो आपके साथ रहती. चाइना इस मामले में बाकी देशों से आगे निकल गया है. यहां सड़कों पर लड़कियों का एक ग्रुप जो अपने आप को स्ट्रीट गर्लफ्रेंड कहता है, अपना एक प्राइस चार्ट लेकर बैठ जाती हैं लड़कियां और 18 साल से ऊपर के लड़कों को सर्विस देती हैं. अब आप ये भी समझिए कि सर्विस कैसी मिलती है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि ये स्ट्रीट गर्लफ्रेंड चाइना में इन दिनों तेजी से वायरल हो रही हैं. इनकी तरफ खासतौर से जो सिंगल यंग लड़के हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर कोई यंग लड़का इन स्ट्रीट गर्लफ्रेंड से सर्विस लेना चाहता है और अपना अकेलापन दूर करना चाहता है तो उसे अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह की कीमतें चुकानी होती हैं. जैसे अगर लड़का सिर्फ गले लगना चाहता है तो इसके लिए वो स्ट्रीट गर्लफ्रेंड को 1 युआन देगा, तो भारतीय रुपये में 1 युआन होता है करीब 11 रुपये के आसपास. वहीं अगर ये स्ट्रीट गर्लफ्रेंड को किस करना चाहता है तो उसे 15 युआन देने होंगे. भारतीय रुपये में जो 15 युआन है इसकी कीमत होती है 115 रुपए. अब इसके अलावा और क्या सर्विस मिलती है, तो किस और हक के अलावा भी ये जो स्ट्रीट गर्लफ्रेंड है ये सर्विस देती हैं. जैसे अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रीट गर्लफ्रेंड आपके साथ फिल्म देखने चले तो इसके लिए आपको 15 युआन खर्च करने पड़ेंगे. वहीं अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रीट गर्लफ्रेंड आपके साथ घर आए और आपके घर के कामों में आपकी मदद करे तो वो भी करेगी, इसके लिए आपको 20 युआन खर्च करने होंगे. इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 40 युआन खर्च करने होंगे, तो भारतीय रुपयों में 40 युआन हो जाते हैं 461 रुपए के आसपास. अब आप बताइए, दुनिया जिस तेजी से भाग रही है उसमें आपको क्या लगता है, अब क्या होना बाकी है? वैसे मैं आपको बता दूं कि रिश्तेदारों को किराए पर लेने का जो चलन है वो सबसे पहले जापान से शुरू हुआ, क्योंकि वहां अकेलापन बहुत है. वह ज़्यादातर लोग शादी नहीं करते और यंगस्टर्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उनके अपने परिवार नहीं है, और फिर जब उन्हें कमी महसूस होती है अपने अंकल आंटी की, मम्मी पापा की, भाई बहन की, तो वो सब भी वहाँ किराए पर मिलते हैं. ऐसे सिस्टम के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइए. मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का.